स्वराज और महिंद्रा का स्पीड टेस्ट, कौन से गियर में किसकी चाल ज़्यादा है वो देखना है। 1000 RPM के साथ में दोनों ट्रैक्टर चलेंगे और पहले H1 हाई और फर्स्ट में करेंगे, उसके बाद में लो टॉप में चेक करेंगे और उसके बाद में रिवर्स में चेक करेंगे। तीनों ही चीज़ें चेक कर लेते हैं कि किसकी चाल जो है वो कौन से गियर में ज़्यादा है। 1 2 3 H1 आई के फर्स्ट गियर में 1000 RPM पे स्वराज की चाल ज़्यादा है और देख लेते हैं रिवर्स में भी लो टॉप में भी। और ये इसलिए बता रहा हूँ कि किसान भाइयों को अंदाज़ा है कि कौन से ट्रैक्टर के साथ में कितने RPM पर चलना चाहिए, कौन से गियर में और कितने RPM पे कितना समय लेता है, ये सारा अंदाज़ा होता है। बाकी किसी भी कंपनी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, जैसे कि पहले भी कई ट्रैक्टरों का दिखाया मैंने। 1000 RPM के साथ में ये खेतों वाली बात है, यहाँ पर कोई हम लोग रेस नहीं लगा रहे हैं। किसानों को बस अंदाज़ा है कि कौन से गियर में चले और कितने RPM पे। और दोस्तों देखें कितने सेकंड के अंदर कितना फासला है। ओ रोक दो वहीं पे। तो दोस्तों H1 में महिंद्रा की थोड़ी सी चाल कम है, इसीलिए अगर आप खेत में ट्रैक्टर चला रहे हो तो महिंद्रा फर्स्ट के हाई में आपको थोड़ा सा रेस ज़्यादा रखना पड़ेगा, 15 की जगह 17 पे चलना पड़ेगा। और अब देख लेते हैं लो टॉप में 1000 RPM पे। और दोस्तों 1000 RPM यानी कि 10 नंबर का रेस, टॉप 4 ओके 1 2 3 टॉप में तो महिंद्रा आगे है। मैंने कई ट्रैक्टरों में देखा, कई ट्रैक्टरों के साथ कंपेयर करके देख लिया, महिंद्रा टॉप में काफ़ी आगे है। ये कई बार देखा है, कई ट्रैक्टरों के साथ में भी देखा है। 4 नंबर का गियर जब चलता है तो महिंद्रा की स्पीड ज़्यादा होती है लो टॉप में। 1000 RPM पे आप देख सकते हैं कितना फासला है, फर्स्ट हाई में देख लिया, अब रिवर्स में भी देख लेंगे। कितनी सेकंड के अंदर कितना फासला रहा वो देखें, यहीं पे स्टॉप किया था पहले। रोक दो। तो दोस्तों ये रहा लो टॉप का रिजल्ट। और मेरे ख्याल से अगर आप खेत में कल्टीवेटर चला रहे हो महिंद्रा के साथ में तो लो टॉप में चलें, और स्वराज के साथ में चला रहे हो तो H1 में चलें। यही है बस किसानों को यही जानकारी देने का मेरा मकसद था कि अगर आप महिंद्रा चला रहे हो खेत में तो H1 की जगह लो टॉप में चले, इसमें आपको एवरेज में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और दोस्तों अब बारी है रिवर्स टेस्ट की, कि रिवर्स की स्पीड किसकी ज़्यादा है। कई किसान भाइयों का ऐसा कहना है कि भाई रिवर्स में कहाँ ज़रूरत है, लेकिन दोस्तों आपको ज़रूरत नहीं है, कई किसान भाइयों को रिवर्स में भी ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पर खेत में लेवल ब्लेड चलती है वहाँ पर खास करके रिवर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए रिवर्स टेस्ट भी देख लेते हैं। 1000 RPM 1 2 3 1000 RPM पे रिवर्स स्पीड, फर्स्ट हाई देख लिया, लो टॉप देख लिया, अब रिवर्स की बारी है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया कि ये किसानों को पता चले, इसीलिए अगर चाल थोड़ी सी कम है तो किसान थोड़ा सा एक्सीलेटर बढ़ा करके चले ताकि उसी समय में इनका काम हो जाए, बस यही अंदाज़ा लगाने के लिए ये टेस्ट हो रहे हैं। और जो भी रेस है वो हम लोग सही लगाते हैं, 1000 तो 1000 ही, 10 नंबर 1000 यानी कि 10 नंबर, इसमें हमारा किसी भी कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ किसानों के लिए, दोनों भाई अपने साथ हैं। ओ रोक दो बस रोक दो। तो दोस्तों ये रहा फासला,
और रिवर्स स्पीड के साथ में महिंद्रा की चाल थोड़ी सी ज्यादा है जबकि स्वराज की कम है। तो बस यही कि किसान भाइयों को स्वराज के साथ चलना है रिवर्स में तो थोड़ा सा एक्सीलेटर ज्यादा रखना पड़ेगा यही। और दोस्तों इसमें एचपी में वैसे कोई लेना देना नहीं होता है कि इसके अंदर इतने एचपी और उसके अंदर इतने एचपी है, और ये सारा खेल जो होता है वो होता है आरपीएम पे। आरपीएम प्लस गियर के जो चक्कर होते हैं उस पे सारा खेल होता है, उस पे सारी चाल की स्पीड होती है। कई ट्रैक्टर ऐसे हैं जो 35 एचपी में भी काफी अच्छी स्पीड के साथ भागते हैं जबकि कई ट्रैक्टर 50 एचपी में भी स्पीड में थोड़े से कम रहते हैं। ये मैंने देखा है, कई ट्रैक्टरों का चेक किया जबकि कहीं का अभी बाकी है, वो भी कर लेंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और भाई की चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। यहाँ पर सही जानकारी मिलती रहेगी, हम कोई कॉम्पिटिशन नहीं करते किसी कंपनी के साथ, दोस्ती भी नहीं दुश्मनी भी नहीं, किसानों को सही जानकारी मिले ऐसा हम करते हैं और जो भी हकीकत होती है वो दिखाते हैं। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद। जय जवान जय किसान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए ट्रैक्टरों के साथ। जय हिंद जय भारत।